भैया मोबाइल थोड़ा पीछे रखना। अरे जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे गौरव सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। माला कम कर दो थोड़ी थोड़ी माला कम कर थोड़ा। नारे लगा दिए भैया, हाथ नीचे हाथ नीचे, चेहरे पर जिंदाबाद। हाथ ऐसे उठा दे मुंह पे ना जाए यार किसी। क्या नाम भैया आपका? मेरा एडवोकेट जयपाल सिंह। किस पद के लिए आपने नामांकन कराया? मैंने कोषाध्यक्ष के पद के लिए नामांकन किया है। जीतने के बाद आप अधिवक्ताओं को मेरी कार्यशैली हमारे बाहर के अधिवक्ताओं को जानकारी है। मैं वर्ष 2020-21 में कोषाध्यक्ष रहा और मैंने पूर्ण पारदर्शिता से कार्य किया और उससे बेटर करके दिखाऊंगा अगर अधिवक्ता साथी मुझे मौका देंगे। मैं इसमें बाहर में जॉइंट सेक्रेटरी रहा, कोषाध्यक्ष रहा और इधर तीसरी बार आ रहा हूँ। मैं एडवोकेट गौरव सिंह राठौर हूँ, बरेली बार के आगामी चुनाव में सचिव पद प्रत्याशी हूँ। किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे अधिवक्ताओं के लिए? मेरा मुख्य मुद्दा ये है कि जो हमारे बहुत वरिष्ठ जन है, सीनियर एडवोकेट्स हैं, उनके सम्मान में जो बातें मैंने कही है कि उनको शुल्क मुक्त किया जाएगा, उनसे बार का सदस्यता शुल्क नहीं लिया जाएगा, सम्मानित सदस्य बनाया जाएगा। जो युवा साथी हैं उनका जो बार में आने का शुल्क है उसे कम किया जाएगा और 3 वर्ष तक उनसे कोई सदस्यता शुल्क नहीं लिया जाएगा। उसके अलावा जो बार की हमारी स्थानीय समस्याएं हैं, साथियों के बैठने के स्थान की बात हो या बेंच के सामने हमारे सम्मान की बात हो, उन सारी समस्याओं को दूर किया जाएगा और यथाशीघ्र किया जाएगा। अंगद सिंह एडवोकेट नाम है मेरा, सचिव पद के लिए। देखिए हमारी बार में जो भ्रष्टाचार है उसको हम बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर देंगे और जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको उजागर करेंगे और हर अधिवक्ता की मांग पे हम काम करेंगे। हर चीज जनरल हाउस में जो हमारा अधिवक्ता कहेगा जनरल हाउस और मैनेजमेंट कमेटी में पास करा के हर काम वो करेंगे हम, और हर काम इस्टीमेट MB से करेंगे, टेंडरिंग प्रक्रिया से करेंगे, कोई काम स्वयंभू बन के नहीं करेंगे। जिस तरीके से अभी होते आए इस तरीके से हम कोई काम करेंगे, एकदम स्वेच्छा से सब काम करेंगे। सचिव पद हेतु करा रहे हैं। क्या नाम सर आपका? मुझे अरुण कुमार सक्सेना एडवोकेट कहते हैं। किस पद के लिए आपने नामांकन? अध्यक्ष पद के लिए। आप अध्यक्ष पद पे नामांकन कराया है, जीतने के बाद किस तरह से अधिवक्ताओं की समस्याओं को दूर करेंगे, क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? ये
गत 40 वर्षों से मैंने इस धर्म स्थली की पूजा की है, यहीं पर जूते घिस के मैंने पहचान बनाई है, किसी नेता के चैम्बर में घुस के उसके राग दरबारी बन के मैंने पहचान नहीं बनाई है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग जब कोई बना सकती है सरकार, तो इसको दुमंजिला भी बना सकती है। हमारे छोटे भाई बहुत परेशान है। ये लड़ाई स्वार्थ बनाम सम्मान और स्वाभिमान की है, और हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं। विकास का कभी अंत नहीं होता है, विकास सतत एक प्रक्रिया है, और जो जैसा हमें बार का हाउस निर्देश देता रहेगा, उसके लिए मैं कार्य करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। अब की बार अध्यक्ष एक नहीं होगा, प्रत्येक होगा। अध्यक्ष का एकाधिकार नहीं होगा, प्रत्येक का एकाधिकार होगा, ये मैं इस बात के लिए वचनबद्ध हूँ। कुछ लोगों ने नामांकन कराते हुए बताया है कि यहाँ भ्रष्टाचार भी हुआ था, उसको भी दूर करेंगे, कुछ है तो मामला? भ्रष्टाचार है कहाँ, कहाँ से शुरू होता है? बादकारी के लिए ये विषय है, ये बादकारियों से पूछे, हमसे क्यों पूछ रहे हैं भैया।